Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 12 dated 4 November 2020. The topic of today's worksheet is verb. बच्चों पिछले हफ्ते हमने वर्कशीट की थी वर्ब की और आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास भी हुई थी जिसमें हमने वर्ब्स किए थे. वर्ब्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब, कितने टाइप्स के होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने मेनली करा था कि मेन वर्ब्स होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी दो टाइप होती हैं, मेन वर्ब की और आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं. आज जो हम कर रहे हैं वो मेन हम कर रहे हैं मेनली टू बी का यूज़ कैसे करते हैं. और टू बी जो है हमने पढ़ा था पहले भी, ये मेन वर्ब के तरीके से भी यूज़ हो जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स की से भी यूज़ हो जाता है. अब हम ये देखते हैं सिंगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ब्स कौन से होते हैं. सिंगुलर वर्ब्स वो होते हैं जैसे जो एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इज़ या एम. तो ये देखो क्या लिखा है, सिंगुलर वर्ब्स इज एम गोज विद सिंगुलर नाउंस एंड प्रोनाउंस. जो इज और एम है वो सिंगुलर नाउन, नाउन हमें पता है नेम ऑफ प्लेस पर्सन एनिमल एंड थिंग, और प्रोनाउन में क्या होता है, दे रिप्लेस द नाउन एंड कम इन प्लेस ऑफ दैट. अब मतलब जो नाउन है यानी संज्ञा जो है और प्रोनाउन यानी जो स्वरनाम है, दोनों ही जब यूज़ होते हैं सिंगल फॉर्म में तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो बच्चों, ही इज़, शी इज़, इट इज़. अब हमें पता है ही जो है वो मेल के लिए लगता है, शी जो है फीमेल के लिए लगता है, और इट जो है वो आपका एनिमल और थिंग के लिए लगता है. अब इसी का प्रोनाउन बनाना होता है तो आई भी है, तो आई में क्या है वो बताता है, आई के साथ क्या लगता है, एम. यानी कि हमने क्या पढ़ा, ही शी इट इसके साथ तो लगता है इज, लेकिन आई के साथ लगता है एम. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब. प्लूरल वर्ब हम देखते हैं, प्लूरल वर्ब्स का मतलब जो बहुत सारे होते हैं या जो एक से ज़्यादा होते हैं. अब प्लूरल वर्ब का मतलब क्या है, ये प्लूरल नाउंस या प्लूरल प्रोनाउंस के रूप के साथ लगता है, नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी स्वरनाम. अब स्वरनाम देखो मतलब प्रोनाउंस देखो, वी यू दे, ये इन सब के साथ लगता है आर. आर जो है वो ज़्यादा लोगों के लिए लगता है, जैसे वी, वी में हमें पता नहीं कितने लोग होंगे. यू, यू जो है हम पर्टिकुलरली एक पर्सन को भी कह सकते, यू आर द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं यू. डे में भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो इनके साथ लगता है हमारा प्लूरल वर्ब जो कि है आर. अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, कहते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड थ्राइस. थ्राइस मतलब थ्री, तीन बार. अलाउड का मतलब होता है ज़ोर से पढ़ना. देन कलर द स्टार बिलो. अब ये क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि आपको सेंटेंस पढ़ना है ज़ोर ज़ोर से, तीन बार सेंटेंस पढ़ना है और उसके बाद जो स्टार बिलो है उसको कलर भी करना है. अब इसमें हमें क्या करते हैं, चलो हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों. फर्स्ट सेंटेंस में वो कहते हैं कि इसका यूज़ हो रहा है. इसका यूज़ कब होता है, जब सिंगुलर नाउन होता है हमने करा या सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो स्टार्टिंग में नाउन आया, अनिल इज स्विमिंग. अनिल जो है वो नाउन है ना, पर्सन है ना, और ही, ही जो है वो है प्रोनाउन. ही डैश 7 years old. तो हमने क्या पढ़ा था, देखो अभी हम देखते हैं ऊपर, ही के साथ इज लगता है, तो हमने क्या किया, सिंपली ही के साथ लगा दिया इज. तो यहाँ पे आपका आएगा, मैं नीचे लिख रही हूँ, ही इज 7 SEVEN 7 years YEARS old ये सेंटेंस आएगा जिसमें इज जो है
आप इसको ही के साथ लगाओगे। नेक्स्ट देखो एम का यूज़ कैसे होता है वो बताया है। एम जो है वो हमने हमेशा देखा वो आई के साथ लगता है, तो आई एम नॉट लेज़ी, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ आप लिखोगे आई एम ये डैश में और फिर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, मजबूत, आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आर का यूज़ होता है। आर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम प्लूरल वर्ब्स की बात करते हैं, जब हमें ज़्यादा संख्या की बात करनी होती है, यानी बहुवचन में हम करते हैं, तब वो प्लूरल वर्ब कहलाता है। शिप्स आर सेलिंग, शिप्स एस लगा ना, देखो हमने प्लूरल और सिंगुलर में किया था ना कि जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, वो प्लूरल बनता है। अब देखो अगर ये ना लिखा होता एस, ठीक है, अगर मान लो ये एस ना लिखा होता तो ये शिप ही रहता। शिप मतलब एक शिप, एक जो है वो जहाज खड़ा है पानी वाला, और एस लगाते ही इसका मतलब खूब सारे हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो उनके साथ लगा आर। अब ये जो किड्स, किड्स में भी एस लग रहा है ना, मतलब प्लूरल बना दिया उसको। यानी देखो हम इसे समझते हैं, जब लिखते हैं हम किड तो किड का मतलब तो एक सिंगल बच्चा, और जब हम एस लगा देते हैं तो होता है किड्स, यानी बहुत सारे बच्चे। तो ये किड्स जो हैं ये क्या करेंगे, आर प्लेइंग करेंगे, आर प्लेइंग प्लेइंग इन द पार्क। आप यहाँ पे पूरे लिख सकते हो, बाकी का लिखा हुआ है यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें आर आ जाएगा। ठीक है, किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, पूरा लिखना बेटा। फिर है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड ट्वाइस एंड सर्कल द टू बी वर्ब। अब वो कहते हैं कि जो टू बी वर्ब है हमें वो आइडेंटिफाई करना है और उसे सर्कल करना है। देखो क्या लिखा है, आई एम हेल्दी, तो एम हो गया यहाँ पे, ये हमारा सर्कल कर दिया हमने टू बी वर्ब, और आई एम स्ट्रॉन्ग, एम फिर से हमने कर दिया। और नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस, देखो यहाँ लिखा है ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही के साथ इज़ लगा है, ये हमें पता है ये हमारा वर्ब है, इसको टू बी वर्ब हमने कर दिया, और शी इज़ हेल्दी, इज़ आया ना, वो हमारे यहाँ पे हो गया। तो मतलब फर्स्ट का आंसर में हमारे पास टू बी वर्ब जो है वो एम है, और सेकंड वाले में जो हमारा है वो है इज़। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ हेल्दी, इसमें भी देखो बच्चों इज़ लिखा है, तो आपका इसका आंसर भी हो जाएगा इज़। इज़ जो है आपका टू बी वर्ब है, और फिर उसके बाद आता है वी आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ज़्यादा हो गए ना, वी मतलब बहुत सारे लोग, आर है, तो आपका इसका आंसर रहेगा, ये तो आपका फर्स्ट का आंसर था, ये सेकेंड का, ये थर्ड का, अब फोर्थ का आंसर आपका आएगा आर, आर क्योंकि बहुत सारे हैं, प्लूरल के लिए आर रखता है, हमें ये पता है। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, फिफ्थ वाले में देखो इसमें भी बेटा आर ही है, क्योंकि वो कितने हैं, ज़्यादा हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर लगा है ना बेटा, तो इसमें भी आपके पास आएगा सिक्स्थ का आंसर है आपका, सिक्स्थ का आंसर है आर। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करके लिख देंगे। फिर है क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे रखी हैं और उसके साथ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें सेंटेंसेस में वो भरने हैं। तो अब ये कहते हैं आई डैश अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पहले, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, लगता है ना, ये देखो आई के साथ एम लगता है हमेशा। तो इसी तरीके से हमने देखा यहाँ पे क्या लगेगा, एम लगेगा, आई एम अ गर्ल, ही इज अ बॉय, वो लड़का है सिंगुलर, ही इज़ अ बॉय। सेकंड में है वी डैश चिल्ड्रन, वी आर प्लूरल हो गए ना, क्योंकि वी लगा है, वी मतलब ढेर सारे, आर, तो आपका फर्स्ट का आंसर देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, आई एम अ गर्ल, एम अ गर्ल, ये आपका फर्स्ट है। उसके साथ कंटिन्यूइंग पार्ट है इसका, ही
डैश अ बॉय, ही इज अ बॉय, ठीक है, इज। अब सेकंड में देखो क्या कहते हैं, वी डैश चिल्ड्रन, वी आर चिल्ड्रन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया सेकंड तक। आर को हम अंडरलाइन कर देंगे, आर इसमें जो है हमारा टू बी वर्ब है। फिर उसके बाद आएगा हमारा थर्ड सेंटेंस, जिसमें क्या लिखा है, शी डैश हैप्पी, शी इज हैप्पी, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया शी इज हैप्पी, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है हमारा थर्ड, थर्ड है शी इज हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। अब इज जो है आपका टू बी वर्ब है। फोर्थ देखो, दे डैश इन द पार्क, दे वर इन द पार्क या दे आर इन द पार्क, दे के साथ क्या लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, दे आर इन द पार्क, ठीक है बेटा। वो लोग सारे लोग जो थे वो पार्क में थे और आर जो है हमारा टू बी वर्ब है। और फिफ्थ देखो, इट डैश कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड, क्योंकि जो कोल्ड है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, मतलब वो नेचुरली आता है, उसमें किसी को कुछ करना नहीं है, तो और वो सिंगल एक सभी पे छा जाता है, इसलिए वो कहते हैं सिंगुलर के तरीके से यूज आता है। तो हमने क्या लिखा, शी इज हैप्पी और दे आर इन द पार्क, फिर इट डैश कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे, फिफ्थ का आंसर हमारा हो गया इट इज कोल्ड टुडे, टुडे, ठीक है बेटा। तो इस हमारा जो है वो टू बी वर्ब हो गया। और सिक्स देखो, लास्ट हमारा जो पार्ट है वो कहते हैं यू डैश आर राइट, यू आर राइट, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं यू आर राइट, आर आई जी एच डी, राइट, ठीक है। आर जो है इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस को। ये कह रहा है हेलो डैश रीना, यहाँ पे हमें बताया आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है ना, आई एम रीमा, तो आपका आंसर हो जाएगा आई एम रीमा, रीना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये लिखा है आई डैश स्टडी इन क्लास सेवेंथ, आई एम आएगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे आई एम स्टडिंग, स्टडी स्टडिंग इन स्टडिंग इन क्लास सेवन, आई प्ले विद माय ब्रदर इन द इवनिंग, ही डैश एल्डर टू मी, ही इज एल्डर टू मी, यहाँ पे क्या आएगा बेटा इज आएगा, ही इज एल्डर टू मी, यहाँ वाले पे आ जाएगा। फिर है आई एम, आई के साथ हमेशा एम लगता है ना, तो आप यहाँ पे ये वाले पे लिख दोगे आई एम, तो एंड ही इज, यहाँ पे फिर से इज आ जाएगा, ही इज 13 ईयर्स ओल्ड, वी गो टू द सेम स्कूल, वी हैव अ कैट, इट इज वाइट इन कलर, ही डैश वी ऑलवेज प्ले हैप्पी टुगेदर, वी आर ऑलवेज, वी के साथ क्या लगेगा आर, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, वी आर। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट थी जो कि मैंने कंक्लूड कर दी है, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।